तो हेलो गाइस, आज के वाले वीडियो के अंदर बात करने वाले बीजीएमआई पेन से रिलेटेड। आपको पता होगा कि यहाँ पर बीजीएमआई पेन हुए 2-3 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक बीजीएमआई ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया कि बीजीएमआई इंडिया के अंदर परमानेंट बैन किया जाएगा या फिर बैन हुआ है या फिर नहीं। तो उसी से रिलेटेड बात करने वाले, अभी यहाँ पर ऑफिशियल की तरफ से छोटा सा स्टेटमेंट आ चुका है कि बीजीएमआई इंडिया के अंदर बैन होगा या फिर नहीं होगा। और यहाँ पर बात करने वाले कि बीजीएमआई इंडिया के अंदर बैन क्यों किया गया, तो पूरा जो इसी वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी खास होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बात करते बीजीएमआई बैन से रिलेटेड। तो पहले बात करते बीजीएमआई बैन से रिलेटेड। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं बीजीएमआई बैन क्यों हुआ। आपको पता होगा यहाँ पर 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर बताया गया था कि बीजीएमआई बैन बहुत जल्द हो जाएगा। और उस आर्टिकल के अंदर लिखा गया था कि पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट किया जहां पर बताया जा रहा था कि बीजीएमआई और पबजी मोबाइल जो दोनों गेम वो सेम गेम है, हुबहू डिटो कॉपी है और सेम टू सेम जो भी चीज़ आता है वो बीजीएमआई और पबजी मोबाइल के अंदर सेम चीज़ आता है, तो उसी के कारण बैन किया गया। और आपको पता होगा यहाँ पर बोनस चेंज जो आया था, बोनस चेंज के अंदर अगर पहले चाहते थे तो यहाँ पर पेन के ऊपर बीजीएमआई की जगह यहाँ पर पबजी मोबाइल लिखा रहता था। तो यहाँ पर कुछ जो कि रिपोर्ट सबमिट वहाँ पर किया गया और बीजीएमआई को बैन करने का अपील भी किया गया, और इसी के कारण बीजीएमआई को जो बैन कर दिया। और आपको पता होगा यहाँ पर 28 तारीख को शायद रात 8:30 बजे के बाद से बीजीएमआई को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के अंदर से रिमूव कर दिया गया था। और अभी अगर आप चाहोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के अंदर कहीं पर भी आपको बीजीएमआई नहीं मिलेगा। और रही बात एमआई स्टोर या फिर रियलमी स्टोर, इन दोनों के अंदर से अभी रिमूव कर दिया। आप यानी जो भी पुराने यूज़र है वो तो गेम को खेल सकते हैं, लेकिन जो न्यू यूज़र है वो गेम को इंस्टॉल करके नहीं खेल सकते। तो इसी के कारण इसको जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के अंदर से रिमूव कर दिया। तो अभी बात करते हैं कि इस बीजीएमआई के वापस से इंडिया के अंदर अनबैन होगा, और ऑफिशियल के तरफ से यहाँ पर क्या कहना है बीजीएमआई बैन से रिलेटेड। गाइस कल रात को यहाँ पर जो मीडिया हाउसेस है उनके थ्रू पता चला, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था क्राफ्टन के तरफ से। आपको पता होगा कि क्राफ्टन के जो सीईओ है ह्यूनिल सोहन, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया जो कि अभी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। तो इसके अंदर उनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट को वो रेस्पेक्ट करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इस गेम से रिलेटेड जो भी उनका डिसीजन होगा वो मानेंगे। और इनका ये कहना है कि इंडियन यूज़र का जितना भी डाटा वो खुद उनके पास मतलब क्राफ्टन के पास सेफ है, और इंडियन यूज़र का जो डाटा वो किसी भी चाइना वगैरह उनसे शेयर नहीं करते। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर उन्होंने कहा कि हम जो मतलब जो इंडियन यूज़र जो गेम का सपोर्ट दिखा रहे इनके लिए थैंक यू। और बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होगा कि गेम वो वापस से इंडिया के अंदर अनबैन होगा या फिर यानी कि गेम्स जो है वापस से इंडिया के अंदर आएगा या फिर नहीं। तो उससे रिलेटेड उन्होंने लिखा है कि इसके ऊपर जो वो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो जो गवर्नमेंट से वो बातचीत चल रहा है, और बहुत जल्द इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा यानी कि गेम इंडिया के अंदर वापस से आएगा या फिर नहीं, वो उससे रिलेटेड ऑफिशियल जो कि अनाउंसमेंट हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद पता चलेगा कि गेम वो इंडिया के अंदर आएगा या फिर नहीं। और जितना मुझे लगता है कि देखो क्राफ्टन ने 100 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया गेमिंग कम्युनिटी के लिए, और मुझे नहीं लगता कि गेम जो वो वापस से मतलब कि गेम जो वे बैन होगा। और कुछ आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर पता चला जो गेम को कुछ दिनों का टाइम दिया गया यानी कि 16A लगाया गया है। अगर 16A लगाया जाता है उस गेम के ऊपर तो उस गेम को जो कुछ टाइम दिया जाता है कि अपने तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट वो सबमिट करो कि आपका जो गेम वो सेफ है यानी कि डाटा वगैरह वो आपके पास सेफ है, अगर वो सब क्लियर कर देता है क्राफ्टन तो गेम जो वो वापस से इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा। और जो भी चीज़ वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ही चेक करेंगे कि गेम बैन होगा या फिर नहीं होगा। अभी तक तो क्राफ्टन या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया कि गेम वो बैन हुआ है या फिर नहीं या फिर परमानेंट उसको बैन किया जाएगा। तो जितना मुझे लगता है क्राफ्टन इसको जो है बहुत जल्द रिजॉल्व कर देगा और हमारा जो गेम वो वापस से इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा। और अगर ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट अगर आता है मैं आपको अलग से वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो फिलहाल वीडियो पे इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे बता देना, और अगर आपको कुछ भी न्यूज़ मिलता है तो वो भी आप नीचे सबमिट कर देख दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।